हेलो अस्सलाम वालेकुम, लर्निंग विद फ़ायज़ शेख में आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो वीडियोस चल रही हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने डिफरेंट जो हैं वो पार्ट्स को यूटिलाइज़ किया है। आज जो है मैं आपको नेक्स्ट पार्ट्स के बारे में बता रही हूँ जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन इसकी राइट प्रोनंसिएशन है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पीपल, मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट दे से अबाउट कंजक्शन। कंजक्शन नहीं होता, बेसिकली ये कंजक्शन होता है जिसकी मीनिंग होती है ज्वाइंट। इसकी मीनिंग है ज्वाइंट, जोड़ना, कनेक्ट करना। अच्छा, यहाँ पे कंजक्शन जो है उसकी मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। कंजक्शन जो है बेसिकली वो एक जो है इस वर्ड है विच यूज टू ज्वाइन, टू ज्वाइन विच टू यूज टू ज्वाइन क्या कहता है, ज्वाइन करता है टू वर्ड्स को, टू वर्ड्स को, टू फ्राजेस को, टू सेंटेंसेस को, सेंटेंसेस और क्लॉज जो होते हैं वो बहुत आर सेम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बहुत से लोग जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंटेंस क्या है और क्लॉज क्या है। सेंटेंस और क्लॉज जो हैं बहुत आर सेम। अब यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे कंजक्शंस के। या इफ, एज, फॉर, बट, yet, until, that, since, for, while, when, unless, because, where, although, whether, though, why, who, how, after, before, till, whenever, we win, thus, but, etc. यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो बहुत सारे कंजक्शंस मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए, और भी मज़ीद होते हैं लेकिन यहाँ मैं फिर etc. करके जो है वो इसको फिनिश कर रही हूँ। अब इनको हम जो हैं वो कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि हम टेंसेस में किस तरह कंजक्शन का यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वर्ड उठाती हूँ बट। बट, बट की मीनिंग होती है लेकिन, ठीक है। तो हाउ वी कैन यूज़ इट, हम इसको बट को जो है वो अपने टेंस में किस तरह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ही इज स्ट्रॉन्ग बट हीज़
brother is weak. वो strong है लेकिन उसका जो भाई जो है वो weak है. तो but यहाँ पे जो है वो as a conjunction, ये जो है ये first part of sentence है. यहाँ पे but ने क्या किया, conjunction मतलब join कर दिया दूसरे sentence को, तो ये second part of sentence है. तो ये यहाँ पे जो है टू सेंटेंसेस का यूज़ हुआ. अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ एंड. एंड मीन्स क्या होता है, मज़ीद या और. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अली एंड उस्मान, तो यहाँ पे एंड ने क्या किया, एंड ने दो वर्ड्स को ज्वाइंट कर दिया. जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ड्स को ज्वाइंट करने के लिए भी यूज़ होता है, तो अली एंड उस्मान जो है दो वर्ड्स को यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया. अब हम यूज़ करेंगे इफ़ का.